अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फरहाद यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबको मैं मोस्ट वेलकम करूँगा केमिस्ट्री की क्लास के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई हम जो है बोहर एटॉमिक मॉडल के पीछे पड़े हुए हैं और उसके हर एक वर्ड को, हर एक बात को, हर एक जो उसकी सेंटेंस है उसको एलेबोरेट कर रहे हैं, उसको आपको समझा रहे हैं। सो आज का दिन हम बोहर एटॉमिक मॉडल को टाटा गुड बाय कह देंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट रह चुका था उसका पॉस्टुलेट्स के अंदर, वो हमने डिस्कस करना है और उसके बाद फिर हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोहर एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इनके दरमियान हम डिफरेंस भी आज ही करेंगे, कोशिश होगी कि आज के लेक्चर में ये तमाम चीजें समअप हो जाएं और हम जो है बेहतर वे में आगे चल सकें। अच्छा जी, एक और चीज मैं आप लोगों के लिए जो है, मैंने आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक वीडियो भी शेयर की है जो कि मेरी अपनी बनी हुई वीडियो है, जिसमें कि मैंने गाइड किया हुआ आप लोगों को कि स्कूल्स की ओपनिंग का टाइम क्या है, यानी कि कब स्कूल जो है वो ओपन होने जा रहे हैं, ठीक है। सो वो वीडियो भी आप लोग मेरी प्रोफाइल पर जाकर देखिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि कब जो है अभी यानी कि जो लेटेस्ट अपडेट आई है रिलेटेड टू स्कूल्स के कब ओपन होने हैं, वो भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी मेरी उस वीडियो के अंदर। सो आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर वो भी देख सकते हैं, जो आज मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लगाई है वो भी आप लोग जो है सुन सकते हैं और उससे आप लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है सर। मोड इज क्वालिटी फ्रेश, क्वालिटी फ्रेश मूड इज, अच्छा मेरा मूड, भाई मेरा मूड हर दिन फ्रेश होता है, हर दिन अच्छा होता है, मैं हर दिन अच्छे अच्छे से बातें कर रहा होता हूँ और आपसे जो है बातचीत भी चल रही होती है, आपको भी हंसा रहा होता हूँ, खुद भी हंस रहा होता हूँ, तो ये तमाम चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, आज आज हम टोटली फोकस करेंगे ताकि हम बोहर एटॉमिक मॉडल को पास कर लें, ठीक है। सो बोहर एटॉमिक मॉडल का लास्ट पोस्टुलेट मैंने आज आप लोगों को पढ़ाना है, जिसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम खैर आबाद कहेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल को। नाइन्थ केमिस्ट्री इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त हम नाइन्थ की क्लास में हैं और सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने लगे हैं अभी, केमिस्ट्री, नाइन्थ केमिस्ट्री, ठीक है जी। अच्छा बिल्कुल जरिश, मैं जो है आज आप लोगों के कमेंट्स, जो भी क्वेश्चंस, जो भी आप लोगों के मैसेंजर पर बातें हैं वो जरूर पढ़ लूंगा और उसका रिस्पांस भी दे दूंगा, बेफिक्र है। मैंने इवन कुछ दिन पहले भी आप तमाम स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस थे उनका आपको आंसर दिया था, तो आप बेफिक्र हैं, आज आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर या जो भी आपने बात शेयर की है, जो टैलेंट मुझसे शेयर किया है, उसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। और जहां तक टैलेंट की बात रही, जो मेरे अभी एकदम से मेरे जहन में आ गई है, सो वो उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो है मैंने आप लोगों की क्लास से दो लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है, फातिमा मीर और इसके साथ साथ अवैस, ठीक है, सॉरी अवैस नहीं है, अहमद आई थी मेरे ख्याल से, ठीक है जी। ये दो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने नॉमिनेट किया हुआ है और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, आप इनकी पोस्टिंग भी देख रहे हैं। सो जरूर जो है तमाम लोगों को जो है इनको भी और अपने सीनियर्स को या इवन जूनियर्स को जो है आप सब जो है लोगों को पूरा पूरा जो है अप्रिशिएट भी करेंगे और उनको दाद भी देंगे, ठीक है जी। सो इस वक्त हम नाइन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लास्ट हमारा पॉइंट है जो कि हमारे पास इस वक्त बनता है फिफ्थ, ठीक है। मैं बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स में से आप लोगों के लिए मेंशन करूंगा और उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, और फिर हम आगे चलेंगे कि डिफरेंस क्या है बिटवीन बोहर एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो आज हमारे लिए कुछ नई चीज आ चुकी है, चलें, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है लिखता चलूं आप लोगों के लिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये चीज हमने अपने ज़हन में रखनी है कि भाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे ऑर्बिटल में मूव करता है कि जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, फिक्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई, यही मेंशन उसने किया हुआ है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई और एंगुलर मोमेंटम को शो करते हैं विद एम वी आर, ठीक है। सो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई इज द इक्वेशन, ठीक है, दैट शोज द एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। और ऑर्बिटल के वाले से हमने कहा था कि ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, और ये एनर्जी लेवल्स जो हैं इनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन ही किसी एक ऑर्बिट का हिस्सा रहेंगे या इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनके पास एनर्जी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई होगा, ठीक है। जो मेंशन कर लेते हैं इसको जल्दी से, ठीक है, और जो है फिर हम इसको एलेबोरेट भी करेंगे, ठीक है जी। तो हम कहते हैं एवरी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल भी कह सकते हैं इसको, शेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल विल हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम
फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, विच इज एम वी आर, ठीक है जी. और एम वी आर किसके इक्वल होता है? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच ओवर 2 पाई, ठीक है. और यहां हम कहते हैं कि हियर एन इज, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है जी. क्वांटम नंबर हम चलें इसको इस तरह कर लेते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है सिर्फ वो लिख लेते हैं, क्वांटम नंबर लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना करें अपने आपको जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर, ठीक है, एन इज क्वांटम नंबर एंड इट्स वैल्यू इज वन टू थ्री फोर एंड एनीथिंग, ठीक है, एन इज इक्वल टू वन टू थ्री अप टू सॉन, ठीक है, ये हमारे पास होगा, ठीक है जी. सो इस वक्त जो चीज मेरे सामने राइट की हुई है उसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करना चलूंगा और उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों क्वेश्चन की तरफ आऊंगा और आपके क्वेश्चन जो है, ठीक है, उनका आप लोगों को आंसर करूंगा, ठीक है. एमवीआर क्या है? बेसिक तौर पे एमवीआर एंगुलर मोमेंटम को शो करता है, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है. मैं यहाँ पर तमाम चीजें एलेबोरेट करता हूँ, जस्ट वेट कर लें थोड़ा सा. एवरी ऑर्बिटल, ठीक है, विल हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी. एक हमारे पास है लीनियर मोमेंटम, एक हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी. तो फर्स्ट हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के हवाले से. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? वो मोमेंटम के जो हमें स्ट्रेट पाथ में फॉलो जब हम कर रहे होते हैं, जब स्ट्रेट पाथ में हम चल रहे होते हैं, ठीक है, तो सीधी डायरेक्शन में चलते हुए स्ट्रेट पाथ के अंदर चलते हुए जो हमारा हमारी बॉडी का मोमेंटम होगा, ठीक है, इसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं. और अगर मैं जो है किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता हूँ, किसी सर्कुलर पाथ में घूमता हूँ, भागता हूँ, तो इस सर्कुलर पाथ के अंदर जब मैं मूव करूंगा तो जो मेरा मोमेंटम होगा उसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है जी. एंगुलर मोमेंटम हम कहते हैं, ठीक हो गया. सो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं. एवरी ऑर्बिटल विल हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, इसी वाले तरीके ने आपसे कहा. अब ये MVR का मतलब क्या होता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था. इसमें M जो है ये रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को? मास ऑफ द सब्सटेंस को. V विल बी द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द सब्सटेंस. R क्या है? देखो मैंने आपसे कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो सर्कुलर पाथ के लिए होता है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ के लिए होता है, ठीक है. तो सर्कल के अंदर अगर कोई चीज बॉडी मूव कर रही है तो सर्कल का कोई ना कोई फिक्स ऑर्बिट होगा, रेडियस होगा आर, ठीक हो गया. सो फिक्स रेडियस है आर, ठीक है जी. फ्रॉम एम इज द मास, जी इज द वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक हो गया. और एन एच ओवर टू पाई में एच मैंने आपको कल भी बता दिया था कि ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड होती है. N is the quantum number और इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 होगी. ये शो करता है कि किस ऑर्बिटल के अंदर, किस ऑर्बिटल ने फर्स्ट सेकंड थर्ड किस ऑर्बिटल के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद है, ठीक हो गया. और 2 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और पाई भी हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है. सो यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछेंगे क्वेश्चन, मुझसे डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे. और मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में उस वक्त ही मूव करेगा जब उसके पास उस ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट एंगुलर मोमेंटम होगा, विच विल बी nh ओवर 2 पाई n. यहां पर ऑर्बिटल को शो करता है कि फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है. सो क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं, द एनर्जी ऑफ द लाइट एमिटेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी. बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पर सही कहा आपने सैयदा ज़ैनब कि दो जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं इनके दरमियान जो गैप है, जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये एनर्जी गैप को या एनर्जी डिफरेंस को शो करता है. बिल्कुल ठीक आपने जी. सर ये रेडियस समझ नहीं आई भाई, ये क्या आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है? सर आप वापस से क्लियर कीजिएगा अपने क्वेश्चन को. देयर इज क्या कहा था सर? देयर इज अ रिक्वेस्ट ब्लॉक हबीब. हाँ बिल्कुल, हबीब को हम ब्लॉक कर रहे हैं, बेफिक्र हैं, हबीब को ब्लॉक कर देते हैं, कोई इशू नहीं है. व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम का मतलब क्या होता है? देखो अगर कोई हम लेट्स सपोज मैं हूँ, यानी हम किसी बस में हैं, ठीक है, बस मूव कर रही है, एकदम से जब बस जो है वो स्टैटिक हालत में आती है, ब्रेक लगाती है, तो आप सबके सब जो है आगे की तरफ को झुकते हो, ठीक है, आगे की तरफ को आपको धक्का सा लगता है, सो आपको मोमेंटम होता है,
वो क्या होता है, बेसिकली पे मोमेंटम होता है, गाड़ी एकदम से जब स्टॉप करती है तो वो समहाउ कुछ ना कुछ पाथ फॉलो करके कुछ ना कुछ जो है समहाउ जो है डिस्टेंस कवर करके अपने आप को ब्लॉक करती है, तो वो जो है उसका मोमेंटम होता है जिसके थ्रू वो आगे चल रहा होता है। जी कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? सर इक्वेशन नॉट क्लियर, इक्वेशन कासिम कह रहे हैं नॉट क्लियर। सो MVR मैंने कहा था इट इज द सिंबॉलिक वे टू रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम, और MVR की बात करें तो इसमें m मास है, v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस, ठीक है, इन फॉर द पर्टिकुलर पाथ, ठीक है, जो हमारा सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस होगा, ठीक है, जिसमें कि वो बॉडी मूव कर रही है, और nh ओवर 2 पाई बेसिस पे हम कहते हैं कि ये वैल्यू होनी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन की कि जब उसने किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करना है। व्हाट इज MVR अभी बताया मैंने बाकी आपको, अगर नहीं क्लियर तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। मोमेंटम के बारे में गाइड कर दिया आप लोगों को, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी बताया मैंने आपको, एंगुलर की टर्म हम यूज करते हैं जस्ट फॉर सर्कुलर पाथ्स, ठीक है। इज इट नॉट देयर गोइंग टू बी अ टेस्ट टुडे, विलिस कह रहे हैं एग्जैक्टली हम चाह रहे हैं कि ये चीज क्लियर हो जाए, पेज नंबर 33 है। जी बिल्कुल आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुका है। इनके दरमियान रेडियस कितना है अजित? देखो हम इस वक्त जो है हाइपोथेटिकल की ठीक है, मफरूजे पर वर्षों में सपोज एक जो है हम एक डायग्राम बना रहे हैं, अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो उसका एक पर्टिकुलर 0.5 एंगस्ट्रॉम रेडियस होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का, इस तरीके से ऑर्बिट का रेडियस वेरी करता है, जिसकी आप बात करना चाहेंगे वो वेरी करेगा, ठीक है भाई। सो आगे चलेंगे, आई थिंक हमारा कंसेंसस डेवलप हो चुका है कि हम इस वक्त जो है जो टॉपिक इस वक्त डिस्कस कर रहे थे बोहर एटॉमिक मॉडल वो कंप्लीट हो चुका है, हमें समझ आ चुकी है। सो अब मैं चाहूंगा कि अब मैं जो है आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करवा दूं, नेक्स्ट हम बात कर लें कुछ, ठीक है, कुछ हम नई चीजें डिस्कस कर लें। सो अब हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल में डिफरेंस है जो कि हम पढ़ना चाह रहे हैं। सर क्या एवेस आप जो है मुझसे मैसेज के थ्रू ये बात पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं सर, एंगुलर मोमेंटम इज फॉर सर्कुलर एंड मोमेंटम इज फॉर स्ट्रेट लाइन? नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा नहीं है, एंगुलर मोमेंटम इज फॉर सर्कुलर पाथ एंड लीनियर मोमेंटम इज फॉर स्ट्रेटर पाथ, ठीक है, स्ट्रेटर जो है हम जब स्ट्रेट चल रहे होते तो हमारा मोमेंटम लीनियर कहलाता है, अगर हम सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करें तो उस वक्त हमारा मोमेंटम एंगुलर कहलाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस, समरी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोहर एंड रदरफोर्ड, इक्वेशन करवाएं कासिम, अभी बेटा आपको बताया था कि MVR एग्जैक्टली एज अ होल एंगुलर मोमेंटम को शो करता है, जिसमें कि m इज द मास, v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस, ठीक है, और nh ओवर 2 पाई हम कहते हैं कि इतना हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन का कि जब वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, n इज द क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है कि